विशेष राज्य का दर्जा कुछ लोगों का भी भावनात्मक लगाव है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर पूरी तौर पर उसे देखा जाएगा तो मैं मानता हूं कि एक छलावा के अलावा, एक डिसेप्शन के अलावा वो कुछ नहीं था। 370 और 35 एक यार्ड में व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया था, आम आदमी की सोच को ही कैद कर लिया गया था। ये पत्थरबाज पैदा नहीं हुए थे, इन्हें पैदा किया गया था। कई लोग ये कह रहे हैं कि एक बड़ा भारी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन शब्द को देखता हूं तो ये मोटे तौर पर 14वीं शताब्दी में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ था, चेंज इन शेप और अक्रॉस एंड बियॉन्ड। ये एक तरफा नहीं होता बल्कि संपूर्णता में होता है। इस शब्द का प्रयोग जब शुरू हुआ तो उसके हजारों साल पहले एक रोमन स्कॉलर थे सिसरो, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान कई बार बहुत सी चीजों के लिए जिद करता है, इंसिस्ट करता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि शायद वह उसे प्राप्त नहीं करना चाहता। वह डेवलपमेंट और लोगों की सोच को बदलने का प्रयास भी नहीं करता और लगातार उसकी उपेक्षा करता है। वह लगातार लोगों को इस तरह सोचने और जीने के लिए दबाव बनाता है जैसा वो स्वयं सोचता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। लंबे समय तक, मैं 70 साल 60 साल नहीं कहूंगा, यहां जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर के काम धाम को देखा, मुझे लगता है कि अगर उसकी आप एनालिसिस करेंगे तो जिस व्यक्ति का मैंने जिक्र किया सिसरो, उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। डेवलपमेंटल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात छोड़िए, आम आदमी की सोच को ही कैद कर लिया गया था। सोसाइटी की जो सोच थी, कॉन्सियसनेस थी, उसे बंद कर दिया गया था। अब यह व्यवस्था किसी समाज के लिए अच्छी नहीं होती है, जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। 370 और 35 एक यार्ड में व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया था। सिसरो के जीवन काल से 200 साल और पीछे अगर आप जाएंगे तो भारतवर्ष में एक महान विचारक हुए चाणक्य, और उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट बात कही थी कि राज्य मैंने स्टेट एक जीवंत इंसान की तरह होता है, यह सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। इट इज नॉट मियरली अ जियोग्राफी बट ए लिविंग ह्यूमन एंटिटी। जैसे एक इंसान का विकास होता है, जैसे आपका शरीर विकसित होता है, उसी प्रकार राज्य और उसके अवयव, अवयव माने अंग, वो भी निरंतर विकास करते हैं। अब यहां मुझे लगता है कि इस टेम्पररी विधान ने काफी कुछ नुकसान किया यहां का। कोई अंग यहां का विकसित करना चाहता भी था तो उसे मुख्य धारा से काट दिया जाता था, और एक ऐसी असमानता, इनइक्वालिटी यहां पैदा हो गई। एक ही राज्य में रहने वाले नागरिकों के बीच में भी बड़ा भेदभाव था, बड़ी गहरी खाई थी। कश्मीर घाटी के लोगों की सोच पनिहाल टनल और जम्मू के लोगों की सोच लखनपुर बॉर्डर तक सीमित रहे, इसकी हर कोशिश की गई थी। विशेष राज्य का दर्जा कुछ लोगों का भी भावनात्मक लगाव है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर पूरी तौर पर उसे देखा जाएगा तो मैं मानता हूं कि एक छलावा के अलावा, एक डिसेप्शन के अलावा वो कुछ नहीं था। जैसा वो सोचें वैसे ही लोग सोचें, जैसे वो जीना चाहें वो जिए, लेकिन दूसरा अगर अपनी मर्जी से जीना चाहे तो उसे जीने की आजादी न हो, ये व्यवस्था लंबे समय तक चली। यहां सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक ऐसी व्यवस्था निर्मित की गई जिसमें चंद रसूखदार लोग अपनी दुकान खोलकर
अगर मैं सही शब्द मुझे जो ध्यान में आता है पांडे जी, वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर, और उसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर बनने के बाद प्रॉफिटियरिंग कैसे की जा सकती है, इसका लंबा खेल यहां चला। बंद, हड़ताल, स्ट्रीट वायलेंस, स्टोन पेल्टिंग, ये इस इंटरप्रेन्योरशिप की कमोडिटीज बन गई थी। साल के 6 महीने जम्मू कश्मीर के बाजार बंद, स्कूल बंद, सामान्य आदमी का जनजीवन बंद, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स थे, जो सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट इकोसिस्टम के हिस्से थे, वो लगातार मुनाफा कमाते थे। इस स्थिति में थोड़ा और गहराई से समझेंगे आप, तो कोल्ड वार एरा का एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। जब ईस्ट जर्मनी से लोग जान जोखिम में डालकर इस स्थिति को देख करके अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय के जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि वे कम्युनिस्ट सी, उस तरह की स्थिति, मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ खास रोड पर बने रसूखदारों के महल में के ऐसो आराम की झलक दिखती थी, लेकिन गरीब आदमी जो गांव में रहता था, छोटे शहर में रहता था, आतंक के कारण सामान्य रूप से बड़ी तबाही होती थी। एक कॉमन मैन का गरीब आदमी, लेकिन अनेक लोग लंदन में रहकर के गोल्फ खेलते थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, और यहां की जो आवाम थी, मैं समझता हूं उन सुविधाओं से महरूम थी। एक सामान्य और गरीब नौजवान, एक बात मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये पत्थरबाज पैदा नहीं हुए थे, इन्हें पैदा किया गया था। भारत सरकार सभी राज्यों को धन देती है, अगर तुलना करेंगे आप बाकी राज्यों से, तो जम्मू कश्मीर में देश के सभी राज्यों की तुलना में आज नहीं, पहले से ज्यादा धन आता रहा है। कुछ लोगों के जीवन स्तर सुधरे, उनके सपने भी पूरे हुए, लेकिन जिनके लिए वो पैसा आता था, मुझे लगता है उन तक वो नहीं पहुंच पा रहा था। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.